14 फरवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए गरौठा आ रहे हैं, जिसको लेकर गरौठा के अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। संपूर्ण मैदान की साफ सफाई की जा रही है। बता दें कि गरौठा में कांग्रेस की प्रत्याशी नेहा संजीव निरंजन के समर्थन में वह एक चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हैं। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ हेमंत यादव। आज हम मौजूद हैं गरौठा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गरौठा में, जहां पर अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कैसा कार्यक्रम है, किस प्रकार से यहां पर व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह बुंदेला। यहाँ पर जो क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम कल शाम 4 बजे का है जी। तो 4 बजे वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर उनके लिए सबसे पहले हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य जोरों पर जारी है। तो यहाँ पर जो मंच बन रहा है सामने आप देख रहे हैं, जो मंच पर भी हमारे लोग लगे हैं और मंच जोरदारी से अपने मंच बनाने में कार्य में सब लोग लगे हुए हैं। लगभग कितने समय तक रहेंगे वो यहाँ? वो यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का है। आपको क्या लगता है कि लगभग कितनी पब्लिक आएगी, कितने कांग्रेस पार्टी के लोग लगभग यहाँ पर रहेंगे उनके उनको सुनने के लिए? पब्लिक यहाँ सबसे कल सब पूरे जिले में कार्यक्रम लगे हैं, उन सब कार्यक्रमों से सबसे अधिक पब्लिक इसी प्रांगण में होगी। आप देख लेना इस बात को। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और यहाँ पर ये सीट हमारे नेहा संजीव निरंजन बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। लोगों में उत्साह है और कल आपको ये उत्साह देखने को यहाँ मिलेगा। ये प्रांगण में कहीं खाली जगह नहीं मिलेगी आपको, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ।